जानकी जी जाती हैं माँ गौरी के मंदिर में, उनके प्रार्थना करती हैं, हे भगवती, हे गणेश जी की माता जी, कार्तिकेय जी की माता जी, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आप समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, आप जानती हैं मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रकट रूप से नहीं कह सकती हूँ। आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें, अभिलाषा को पूर्ण करें। जैसे जानकी जी प्रार्थना करें, आप कल्पना करें पार्वती जी की प्रार्थना साक्षात भगवती जानकी जी कर रही हैं, वो भी हृदय से कर रही हैं। इतनी सफल प्रार्थना थी, विनय प्रेम वश भई भवानी खशी माल मूर्ति मुस्कानी। हाँ, विग्रह मुस्कराने लग गया, उनकी माला जानकी जी के महाराज गोद में आ गई, और ये सबसे बड़ा लक्षण था कि उनकी प्रार्थना सफल हो गई। विग्रह मुस्कराने लग गया, होता है। अगर आपकी सेवा पूजा ठीक है तो आपके घर के विग्रह भी मुस्कराते हैं, स्माइल करते हैं, आदेश देते हैं और बोलते हैं। अगर आपकी सेवा पूजा ठीक है, केवल मंदिर के ही नहीं, आपके घर के, ये प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है ना, तो एक दिन की जाती है। अगर आपके घर में विग्रह प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी है, लेकिन आप नियम से साधन पूजन करते हैं, भाव से करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है और अपने आप ठाकुर आपको आदेश देने लग जाते हैं। ये आपका अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है ना। देखो,